अच्छा, यहाँ पे कोई भारी भरकम बात नहीं करेंगे, ऐसी बात करेंगे जो हेल्थ अवेयरनेस पे आप सबको समझ लें, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर अक्सरियत लोग तो नहीं जाते, जो बड़े अफसोस की बात है, ठीक है? तो हेल्थ ट्रेनिंग पे अपने ध्यान दें। एंड सेकेंडली, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज हेल्थ? यहाँ पे गलती का रूम है, कोई कुछ भी कहे जो समझ आए बोल रहा है। क्वालिटी ऑफ योर माइंड एंड बॉडी और हेल्थ को मैं एक्सप्लेन कर दूं। हेल्थ इज क्या? फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबीइंग, सही हूं, विदाउट एनी डिजीज। फिजिकली द बॉडी कंपोजिशन इज नॉट जस्ट कि आप अच्छे दिख रहे हैं, आपके में फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस अच्छा हो, ये है। स्ट्रेंथ हम नॉर्मली कह सकते हैं कि आप कितना वेट या वेट ट्रेनिंग एक बारी में कर सकते हैं, दैट्स योर स्ट्रेंथ, ओके? एंड्योरेंस बर्दाश्त होता है, करती मायने आपके हार्ट बीट या आप कितना हार्ट रेजिस्टेंस ले सकते हैं एक बारी में, दैट्स योर एंड्योरेंस। इसमें और भी छोटी छोटी डिटेल होती है, कार्डियो पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर, वो हम बाद में डिटेल में बात करते हैं। ओके, ये है सिंपल इसकी डेफिनेशन कि विदाउट एनी डिजीज आप सोशल वेलबींग अच्छे हों, मेंटली अच्छे हों, फिजिकली अच्छे। फिजिकली बात हो गई, मेंटली सिंपली ये है कि आप डिप्रेस ना हो, अच्छा सैड, द सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, आप सिंपली इंट्रोवर्ट ज्यादा ना हो। इंट्रोवर्ट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि आप अच्छा इंटरेक्ट करें लोगों से। बाकी आ जाता है सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग होना बहुत जरूरी है, जो जिसका लैक बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे मैं अभी आनंद को मैंने देखा, किसी ने ऐसे गाड़ी खड़ी कर दी कि दूसरों को परेशानी हो गई, तो वो सोशल वेलबींग नहीं, तो वो फिट नहीं है कम अज कम मुआशरे के लिए, तो हम उसे फिट कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, ये हो गई हेल्थ की बात। ये हेल्थ के तीन डायमेंशन और आगे चलते हैं। व्हाट इज फिजिकल फिटनेस? चलो any kind of physical activity in terms of sports or mental fitness ye mere khayal se kahin na kahin directly related hai physical fitness se theek hai aur koi see hai ki jo saans phoolne lagti ho okay good answer so close aage physical fit chahiye ये हेल्थ का फैक्टर है या हम आगे बात करेंगे हेल्थ का फैक्टर या हम आगे स्पीक कर सकते हैं एबिलिटी टू परफॉर्म यूजुअल एंड अनयूजुअल एडीएल्स विदाउट गेटिंग एक्स्ट्रा फटीग। फटीग यानी थक जाना, एडीएल्स मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। जैसे अभी मैं खड़ा था नीचे, तो हमारे एक दोस्त साथ में, हम साथ में आए हुए थे, तो नीचे देखा लिफ्ट में बहुत लंबी लाइन होगी, लोग इंतजार करे जा रहे। मैं बड़ा हैरान कि कोई सीढ़ी चढ़ ही नहीं रहा, कोई सीढ़ी पे जा ही नहीं रहा। तो मैं और फासा दोनों ने सोचा कि चलो सीढ़ी पे चलते, तो पहले गए बेसमेंट फ्लोर आया, वहाँ पे देख रहे हैं एक दो बंदे चढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट फ्लोर आया, वहाँ पे देखा एक बंदा चढ़ रहा है, तीसरे पे लोग मजाक कर रहे हैं कि मुझे क्यों आप सीढ़ियों पे चढ़ाया जा। तो फोर्थ फ्लोर तक चढ़ना लोग गवारा नहीं कर रहे, और मुझे आप ईमानदारी से बताएं कितने लोग लिफ्ट से आए, कितने लोग सीढ़ियों का, और आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज ये फिजिकल की बात होगी, वरना आप रोज अगर सलाम भी कर रहे हैं तो वो भी एक्सरसाइज, ठीक है? एक्सरसाइज आप कितना अपनी बॉडी मसल फाइबर्स पे कितना स्ट्रेस टॉलरेट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग एक्स्ट्रा फटीग, ओके? दैट्स योर फिजिकल फिटनेस। फिजिकल एक्टिविटी और वर्कआउट में क्या फर्क है? जो जो जिम जाता है वो तो पहले बता जी, वेट की इंटेंसिटी, वेट की इंटेंसिटी, जैसे फिजिकल स्पोर्ट में एक लिमिटेड होता है कि आप एक हद तक करोगे, लेकिन जिम में ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए फीचर हो गया ना। मुझे एक वन लाइनर आंसर चाहिए, स्टैमिना, स्टैमिना एंड्योरेंस होता है, स्टैमिना इज अ स्लैंग वर्ड, ओके? वो इसका कोई वैल्यू नहीं है।
फिजिकल एक्टिविटी में भूख भी लगती है, एक्सरसाइज की भूख भी लगती है। वर्कआउट आप मान लीजिए मैंने आपको नीचे से ऊपर फ्लोर 20 चक्कर लगाए, आपको भूख नहीं लगेगी? प्यास लगेगी। अच्छा, इतनी लंबी करी तो सिंपल एज दैट। फर्क क्या वर्कआउट स्पेसिफिक होता है कुछ मेंटली, मतलब और फिजिकली हमें इसमें देखने को एक्टिविटीज नहीं होती। अगर हम फिजिकली कैस भी सकते तो एक ज्यादातर एटलीस्ट 15 मिनट्स या 20 मिनट्स वॉक करना चाहिए उसको फिजिकली करना। चलिए मान लेते हैं आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ पे 20 फ्लोर है, ठीक है, आप घर गए, आप ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। वालदा ने कहा कि ऊपर 10वें या 12वें फ्लोर पे आंटी रहती हैं, उन्हें जाके खीर या बिरयानी जो बनाए दे गए। सही, आपका लिफ्ट बनती है, सही है, आप पहुंचे ऊपर। अब इसमें आप जिम में अगर स्टेयर वॉकिंग करें या ट्रेडमिल करें तब भी सेम कैलोरीज बर्न होंगी, तो फर्क क्या होगा? लेकिन जब आप भी दरवाजे के बाहर खड़ो बोलो जी आप कुछ कहें जिम में होता है कि आप स्पेसिफिक आपका टारगेट होता है, ओके, कि वहीं तक आपको रन करना है। अगर आप स्टेयर्स आप चढ़ते हो तो आपको ये नहीं पता होता, यानी कि आप इसलिए करते हो बस चढ़ना है, किसी भी तरह का मुझे देख रहा है। कई दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हम ट्रेडमिल लास्ट में कार्डियो किया जाता है, हम ट्रेडमिल करने वाले हैं और हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, हम सिर्फ बेमन से कार ट्रेडमिल पे चले जा रहे म्यूजिक लगा रहे, बात तो वही हो गई। फोकस तो वही, फोकस तो टारगेट मगर को होता है कि किसी तरह करके करना गुड, लेकिन वहां भी तो ऐसे ही दिल बिल्कुल नहीं जा रहा, घर आए हो थके आ रहे 12 बजे, लेजीनेस ना हो, सॉरी लेजीनेस ना हो, जिम में कभी लेजीनेस नहीं होती। अगर स्टैमिना गेन करना जी, स्टैमिना गेन करना है तो देखो कुछ नहीं हो, नहीं लेजीनेस आपका जिम है आपका दिल नहीं या दिल नहीं जा रहा, जैसे बैड डेज भी कहते हैं, फिर भी वर्कआउट तो फिट करना। सॉरी सर, आप कुछ कह रहे नहीं जी, फिटनेस के लिए हम बॉडी और दिमाग की जो इंटरवल के साथ कनेक्ट करते हैं, और फिटनेस नाम से बॉडी के ऊपर पुश करते हैं ताकि बॉडी जो है ग्रो, बिना मसल माइंड कनेक्शन के आप कैसे कोई एक्टिविटी या सेट परफॉर्म करेंगे? मतलब जैसे हम फिटनेस पे जाते हैं तो फिटनेस के लिए हम जिम जाते हैं, ओके, कि अपने आपका जो बॉडी के मसल्स है वो फिट रहे अच्छे से, अपने जब सुबह सुबह उठते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के लिए वो दिमाग को जब सोया होता है मतलब उसको उठाने के लिए अपने दिमाग को बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए, ताकि अगर आगे काम हो अच्छा हो। बात सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है, मैं आप लोगों से आंसर मांगू, ऐसे थोड़ी थी एनी सवाल सवाल का कोई भी चले, एक एक अल्फाज से इसको डिफरेंशिएट करना, जस्ट ओनली वन वर्ड, प्लान। आप जिम गए, आपने प्लान किया कि आप 30 मिनट्स वर्कआउट या 40 मिनट्स वर्कआउट करेंगे, वार्म अप कितने सेट होंगे, कंडीशनिंग कितने, कूल डाउन कितने, और इतने देर आप कार्डियो करेंगे। अब जो फिजिकल एक्टिविटी घर गए, आपको एक्सपेक्टेड थोड़ी था खेल लेने भेज देंगे, ऐसा तो नहीं था। और मान लें आप ऊपर जा रहे हैं, आंटी बीच में मिल गई आपको, आपने दे दिया, या जा रहे लिफ्ट चल गई, या जा रहे हैं उधर देखा ताला लगा हुआ, बोले 15 मिनट वेट करो, खड़े हो, तो ये एक डिफरेंस है, बल्कि एक क्या एक लोटा डिफरेंस है। ओके, इट्स कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन सबसे आखिर में रखी गई, क्योंकि आप कैसे दिखते हो ये सबसे एंड की बात। अगर मान लीजिए मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल करता हूँ, बहुत सारे ऐसे बंदे जो फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग स्ट्रेचिंग को बिल्कुल ही कंसिडर ही नहीं करते, जबकि वर्कआउट के तीन फेज होते हैं, वार्म अप ताकि आप इंजरी ना हो आप तैयार हो जाएं तो उस एक्टिविटी के लिए, कंडीशनिंग ताकि आप उसे अच्छे से परफॉर्म करें, अपने मसल को डैमेज करें ताकि वो रिकवर हो प्रॉपर तरीके से, एंड लास्ट इज कूल डाउन स्ट्रेचिंग, ताकि मोबिलाइज हो और आप उसे कूल डाउन कर लें, ताकि आप उस एक्टिविटी से आराम से अपनी बॉडी को रिलीज करें। ठीक, अच्छा, कोई सवाल इससे रिलेटेड कोई भी?
ठीक है, पहले जैसे रिलेटेड स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स हैं एजिलिटी बैलेंस कोऑर्डिनेशन रिएक्शन टाइम स्पीड एंड पावर। कोई भी सवाल कोई बात इससे मुतल्लिक चलो भाई बिगो तक फॉर्म में नहीं। सबसे पहले आते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ, द एबिलिटी ऑफ अ मसल और मसल टू एक्सर्ट अ मिनिमम फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन वन टाइम थ्रू फुल रूम। सारे कंप्यूटर वाले बैठे हैं, रूम रीड ओनली मेमोरी। रेंज ऑफ मोशन, आपकी रेंज ऑफ मोशन कहां तक, किसी भी एक्टिविटी है किसी भी जॉइंट, ठीक है। इसमें भी मस्कुलर और बोन की रेंज ऑफ मोशन आती है, वो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा 1 RM आप कितना वेट आप 1 RM मैक्स पे उठा सकते हैं, इससे आपकी स्ट्रेंथ मेजर होगी। ओके, नो पावर लिफ्टिंग में नहीं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तब भी मसल का एग्जॉस्टन होगा। स्ट्रेंथ गेन करने के लिए कोई भी वेट ट्रेनिंग की जाती है स्ट्रेंथ करनी, उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कहते हैं, ठीक है। मसल एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब बर्दाश्त, एक मसल की बर्दाश्त होती है कब तक वो फटीग होता है। अच्छा, हम एक्सरसाइज करते हैं थकते ही हैं, जब भी कोई सेट कर रहे हैं मान लें पुशअप कर रहे हैं 40, 50, 30 जिसमें भी हम थक गए तो वहाँ पे हमसे नहीं हो पा रहा, मसल जैम हो गया, उसे कहते हैं ज्यादातर होता है ये टाइम जॉब करने वाले के हैं सपोर्ट टाइट बाय बॉडी में 2 biceps, एक आपका बाइसेप फेमर एक आपका हैमस्ट्रिंग वाला बाइसेप, ठीक है। डेक जॉब आप लोग करते हैं लेकिन इसका हैमस्ट्रिंग बड़ा फ्लेक्सिबल है, बहुत अच्छी बात है। ओके, बॉडी कंपोजिशन इज अमाउंट ऑफ बॉडी मास बोन ऑर्गन्स बॉडी फ्लूइड कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। बॉडी में 4 weight कौन कौन से, पानी में बेस्ड है, ठीक है। आपको बताए हमारे एक मेरे एक सर हैं अतर राशि के साथ जल्दी तो उनके क्लाइंट थे, इतने बड़े डॉक्टर क्लाइंट थे, बहुत हाई फाई क्लाइंट थे, तो उनके पास गए तो उन्हें बोन्स में बहुत दर्द, हड्डियों में हर जॉइंट में पेट, आमतौर पर डेंगू के सिम्टम होता है तो उन्हें हर जॉइंट में पेट। पूछा उन्होंने क्या इशू है तो बताया सुबह से पेन, ठीक है। तो उनके वाइटामिन डी टेस्ट करा, उनका कैल्शियम, उनका बोन मैरो टेस्ट, सारे टेस्ट करा दिए लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नहीं पता चली कि क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे कोई एक जूनियर था तो उसने कहा कि आप इनका हाइड्रेशन टेस्ट करें, ब्लड में हीमोग्लोबिन और पानी की अमाउंट चेक करने के लिए। तो कराया तो पता लगा वो डिहाइड्रेट, वो ऐसे इंसान थे जो सुबह कराची में होते थे, शाम में कहीं इस्लामाबाद, फिर कभी रात में कभी दुबई है तो कहाँ है तो कहाँ, तो फ्लाइट में पानी नहीं पीते थे कि वॉशरूम में जाना पड़े, तो दिन में 1 glass पानी पीते थे। तो डिहाइड्रेशन तो होता ही है, पहले आपको डिजीनेस फील होगी, आप अनइजी होंगे, फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है हड्डियों में पेन शुरू हो जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा आपकी स्किन पे इफेक्ट आएगा। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, आजा दिल, इसके नहीं लग रहा है ब्रेन, स्किन, स्किन बिगेस्ट ऑर्गन स्किन। स्किन के 2 काम है, एक स्टेबल करना ऑर्गन्स को और दूसरा विटामिन डी स्टोर करना लीवर को। सो ऑनली थैली है, उसके अंदर सारा ऑर्गन है, वो थैली स्किन, तो ऑर्गन वेरी गुड यार।
अभी बैलेंस को लेके कभी वाई टेस्ट यूयू टेस्ट करा है? चले आप लोग स्ट्रेचिंग के बारे में इतना सोच रहे हैं, चलिए हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। What is the speed? Rate of change of motion. Rate of change of motion. Yes. इतनी देर में, इतनी स्पीड में आप एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन में चेंज करा, that's your speed. ठीक है? तो ये नॉर्मल इस पे बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीजें पता चले। एजिलिटी क्या है? आपसे उम्मीद है मुझे पूरा। What is agility? Yes, speed related ही है। देखो ये तो मैंने ओके पर है क्या? Anyone? Strength and agility. Agility का लफ्ज़ ही मायना फुर्ती। 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 Agility based sports है cricket, football, hockey. अच्छा, एजिलिटी की मिसाल दी जाती है मंकी से कि एक बंदर कितनी फुर्ती से अपनी मूवमेंट चेंज करते हैं, कितनी फुर्ती से पेड़ पे चढ़ते हैं या कोई मूवमेंट परफॉर्म करे, तो उसकी मिसाल एक मंकी से दी जाती है, एजाइल लाइक अ मंकी। ओके, रिएक्शन टाइम। अच्छा भाई, बॉलर कौन है आप? आपने और रिएक्शन टाइम बहुत जरूरी है भाई, फील्डिंग के लिए, बॉलिंग के लिए, बैटिंग के लिए भी है, लेकिन इतना नहीं। रिएक्शन टाइम मींस आप कितनी देर में रिटेलिएट करते हैं या आप रिएक्शन देते हैं कि एक चीज आ रही है या कुछ हो रहा है। बाज लोग ऐसे कर लेंगे, बाज लोग उस पर रिएक्ट कर उसे पकड़ लेंगे, कैच है या जो भी, तो ये एक बड़ा जरूरी फैक्टर है और ये फिटनेस के कंपोनेंट्स में आता है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा भाई, पावर हो गया। अच्छा, ये रिएक्शन टाइम का जो ताल्लुक है वो मेंटल फिटनेस से ज्यादा है? जी, मेंटल फिटनेस से ज्यादा है, फिजिकल और इसको ट्रेन किया जाता है, और ट्रेन भी ऐसे किया जाता है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें रिएक्शन टाइम, जैसे आजकल अब टाइम बड़ा एडवांस हो गया, तो अब ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग या ओल्ड स्कूल फिटनेस वर्कआउट्स या ओल्ड स्कूल फिजिक वर्कआउट्स नहीं, अब बोसू बॉल्स हैं, मेडिसिन बॉल्स हैं, बैंड्स हैं वगैरह वगैरह, तो उससे रिएक्शन टाइम बेटर हो जाता है। जी, पावर गेम, पावर व्हाट इज पावर? पेस। ये तो क्रिकेट से जुड़ते हैं, नॉर्मल लाइफ स्ट्रेंथ तो कुवत होती है, पावर भी, पावर एक्चुअली होती है, करेक्ट टाइमिंग दो वर्ड क्यों होते सम हाउ रिलेट तो होते हैं, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग। चलो क्लोज, आप में से कोई भी anyone? Reaction time actually मुझे इसमें reaction time, लेकिन थोड़ा सा differentiate है। Power is आप कितना जोर एक बारी में लगा सकते, चाहे वो punch हो, चाहे वो ball हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप कितना जोर एक बारी में एक power hit कर सकते हैं, that's called power। अच्छा, ये सिर्फ physical नहीं हो सकता, machinery भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चल थोड़ा सा ब्रेन को और वार्म अप करते हैं, एक रिडल बड़ी जबरदस्त और इसका जवाब दें, बड़ा मजा आएगा। एक शख्स है जो 180 पाउंड का LBS का, ठीक है, वो 6 दिन जिम जाता है। अच्छा, वैसे आप लोग जो जिम जाते हैं आप लोग कितने दिन ट्रेन करते हैं? 5 दिन। और भी किसने हाथ उठाया? 6 दिन, 2 दिन डन हो गया, वो 1 दिन वाला भी होगा ऐसा होता है, लेकिन कुछ तो फ्लक्चुएशन आएगी, पाउंड पे तभी दिया, केजी पे नहीं दिया। 2.2 पाउंड इज इक्वल टू 1 केजी,
का तरीका गलत हो एक्सरसाइज करने का, नहीं चैलेंज तरीका गलत, और अल्लाह ताला ने जैसा वैसा बनाया, मूवमेंट जैसी बनाई है कि कुछ भी कर लो उससे फायदा मिलता है। हम सही एक्सरसाइज और गलत वर्कआउट को सिर्फ चार उससे चेंज डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इज कि आपकी फॉर्म सही है, सेकंड आप इंजरी फ्री, जरूरी नहीं फॉर्म सही है तो इंजरी नहीं आएगी, ठीक है, इंजरी फ्री हो। थर्ड इज आपको कोई भी तरीके का जो आपके प्रोग्रेस है वो रुक ना, और चौथा बैलेंस, वो तो बहुत सुना होगा एक भाई सब छोटा बड़ा अच्छा फंडामेंटल मूवमेंट्स है, सात फंडामेंटल मूवमेंट्स होते हैं, बताएंगे फंडामेंटल बुनियादी मूवमेंट्स बॉडी फिट, बैठना, उठना, लेटना, चलना, भागना, पोजीशन आना, पोजीशन है वो पोजीशन है, पुश मूवमेंट, पुल और सॉरी जंप, किक, जंप, 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 स्क्वाट मूवमेंट, रन, पुश, पुल, स्क्वाट, लंच, हिंज, and the most my favorite is gate. Patient भी है, gate means चलना, the first skill we learn, सही है? कभी अगर आप DPT के किसी student से मिलने, doctor of physical therapy, तो उन्हें एक second semester में आए थे, उन्हें एक homework दिया जाता है कि आपको कम से कम 2000 लोगों की gate movement observe करना, minimum 2000, उसकी सबसे अच्छी जगह mall होती है, और ये पाया गया 2017 में ACSM की research report में, American College of Sports and Medicine की, ये एशिया में 38% लोगों को चलना ही आता है, because of the duck footed, ankle mobility restricted है, because of the hip mobility, एक proper चल नहीं पाते, तो ये हमारे वालों से नहीं, उनकी रिसर्च, हमारे लोग तो और खराब, हमारा नुक्स बहुत निकलता, अच्छा, push pull, pull means कोई भी चीज, देखना बहुत ज़्यादा हम लोग confused होते होंगे अपनी हिप विड्थ में बैठ रहे, ठीक है, अपने हिप को अपने हिप विड्थ में बैठ रहे, पैर को लगा ओके, पैर को थोड़ा सा नीचे करें, ठीक है, हिप को पीछे ड्राइव करते हैं, चेस्ट अप एंड स्क्वाट स्लोली, हिप को पीछे घूमने दो, बैठ के बच्चे को पढ़ने नहीं आगे जाने पड़ते हैं, ओके फर्स्ट ऑब्जर्व ऑब्जर्व सो लाइक दिस स्क्वाट स्क्वाट ओके बिल्कुल भी पैर ऐसे ऐसे सीना बार नंबर आ एड जमा जैसा मैच खेलना है कल मैंने बैटिंग करनी है जैसा 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 बॉल टाइट एड़ी उड़ा के गिर गई कि मैं गिर गई बताओ ऐसे नहीं था और इवन उनके ट्रेनर्स उन्हें रिकमेंड करते हैं रखो, उसका रीजन वो ये बात नहीं जानते कि उसकी एंकल मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड, तो बैलेंस के लिए रखते होंगे ना, वो एंकल मोबिलिटी वहां पे कॉम्पनसेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि फिर एंकल का कोई काम ही नहीं बचा, एडी एलिवेट हो गया, ठीक है, आप एंकल स्ट्रेच करें 3-4 मतलब ये 3-4 सेट बीच में ही मॉड सेट हो, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा लंच, लंच एक बहुत जरूरी मूवमेंट है, इसको आमतौर पे प्रपोज पोज भी कहते हैं, ठीक है, और बहुत फंडामेंटल मूवमेंट है आपके हिप के लिए, जॉइंट के लिए, हिंज, हिंज को आप कैसे डिफाइन करेंगे आम जिंदगी मूवमेंट, बस एक फर्क है कि घुटने बैठे, ठीक है, हिंज फॉर योर बैक,
hinge is like any restricted form, that's your back, included your shoulders, included your lower back. Deadlift देखिए कभी? Ideal deadlift में मतलब कन्वेंशन deadlift में जो hinge है 45 degree आपका ये hinge है, ठीक है? अगर आपका hip 45 से नीचे आया, that's a squat, ठीक है? That's a hinge. लेकिन वेरी करता पॉसिबल हम सबको एक लकड़ी से नहीं आता किसी के अच्छा अगर कभी एहसास कमतरी में आना है ना तो अपना बायोमैकेनिकल टेस्ट करवा लीजिए कोई ना कोई एक लेंथ बड़ी होगी कोई ना कोई एक नेक या कोई ना कोई आपके हाइट के हिसाब से हाथ लंबे होंगे बाल बड़े होंगे रोटेशन में क्या क्या आता है बहुत इजी बताया रोटेशन आपके हैंड मूवमेंट रोटेटर का आपके अपने आप को स्ट्रेच करते हैं मूवमेंट करते हैं तो ये जरूरी करना है मतलब अगर आपने 5 से 6 मिनट से ज्यादा हो नहीं सकता अगर आप सही है सही समरात आपको कभी कोई इंजरी नहीं रही कोई इश्यू नहीं तो मिस्टर ओलंपिया 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया फिल हीट वो बेंच प्रेस के 10 सेट्स फॉर्म अप करते हैं मसल एक्टिवेशन के लिए रीजन उसको बैक में भी इंजरी क्योंकि उसके स्टेपलर रिलेटेड कोई भी फॉर्म अप 5 से 6 मिनट से ऊपर नहीं होगा इसमें एक एरोबिक एनएरोबिक होता है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अगर आप 10 मिनट भी वार्म अप कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा रीजन ये है कि पुशअप कराई अब बंदे से नहीं होगी तो उसके घुटने जमीन पर रखवा दिए ठीक है और कोई ड्रिल आती नहीं तो बोलते रहने दो धीरे धीरे हो जाए ऐसा नहीं जिम नहीं जाते कोई ना कोई स्पोर्ट जरूर खेलो दैट्स फॉर फंक्शनल ट्रेनिंग जब फंक्शनल ट्रेनिंग करोगे तो बेटर हो पाओगे ये आम मूवमेंट एडीएल अभी मैंने बात की थी ना एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ ये बहुत जरूरी है और ये फंडामेंटल मूवमेंट इसलिए कहलाती है क्योंकि आम जिंदगी बहुत ही और हम पाकिस्तानी हमारे तो बहुत ज़्यादा यूज होती है उकड़ू बैठना या ऐसे थोड़ा आगे उठ के कोई काम करना या कुछ भी ऐसा सीटेड वो लाजमी होता है जैसे अभी मैच है वार्म अप जरूर करना लगे ठीक है पैसा मांगे अच्छा 2-3 मिनट ऐसा तो नहीं 20 मिनट वार्म हो जाता है मैच कभी यहाँ पे कोई किसने कायरोप्रैक्टर को विजिट करा है आपने किया कायरोप्रैक्टर जब भी कोई और है जिसने विजिट किया कायरोप्रैक्टर जो सिंपल कर दूं जो इंटरनेट पे टक टक निकालते हैं दैट्स कॉल्ड कायरोप्रैक्टर ओके जो एडजस्टमेंट करता है चटखाने निकालता है दैट्स कॉल्ड कायरोप्रैक्टर जी और बहुत रिलीफ मिलता है लोअर बैक बाकी किसी के लोअर बैक में पेन है अभी
आपके मेरी किडनी में येलो भी है ये बीसी के लिए डॉक्टर एक्सरसाइज करेंगे आप मैं भी एक्सरसाइज करेंगे तीन भी नहीं एक्सरसाइज से एक किडनी इधर है दूसरी किडनी में दो बांटने का हमारे जो ज्यादातर फिटनेस ट्रेनर्स हैं अच्छा पहले तो वो स्टार सुपर स्टार फिटनेस ट्रेनर नहीं होते मैंने भी स्टार्ट वहीं से किया था एज उस्ताद फिर हमने एजुकेट किया अपने आप को फिर आगे बढ़े थोड़ा बहुत आता है तो कोशिश कर रहे हैं आप लोग पे कोई वैल्यू ऐड करो अच्छा वो अपने आप को डॉक्टर समझना शुरू कर दे या फिर डॉक्टर के काम करना शुरू कर दे अगर आपको कोई ऐसा पेन है जो कि स्ट्रेचिंग या आपकी स्ट्रेंथ ठीक नहीं हो सकता तो वो मेरा काम नहीं है वो डॉक्टर का काम तो मैं आपको डॉक्टर को प्रेफर करूँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ज़्यादातर जिमों में जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होते या होते भी तो उनके पास टाइम नहीं होता तो इसलिए अस्सलाम वालेकुम तो वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि खुद ही काम हो जाए या यार आप कर दो ना यार आप स्ट्रेचिंग करा दो ना जैसे हमारे तला भाई हुआ है तो इनके नेक में पेन था तो मैंने एड्रेस किया पहले मुझे लगा सर्वाइकल पेन है फिर मुझे पता चला कि वो उनके लिबिडर स्कैपुला का पेन स्ट्रेच कराया सेट हो गया अभी लड़े तला भाई अल्हम्दुलिल्लाह तो हम लोग बेसिकली होता है कि अगर 100 केजी से मारे तो हम आगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं तो बॉडी की लोअर बैक स्टिफ हो जाती है तो वो एंगल की वजह से होता है या इस वजह से होता है कि हमें आदत हो गई ओवरयूज किया ना मसल को एग्जॉस्ट करने मसल कभी हां हां तो एक बड़ी मजेदार बात तो वो अभी मैंने कहा कि वर्कआउट के तीन फेज होते हैं वार्म अप कंडीशनिंग कूल डाउन स्ट्रेचिंग करते हैं आप एंड कूल डाउन नहीं किया क्योंकि हम सब मैमल्स हैं तो हम मेडिकली एबनॉर्मल या कम से कम जो एक्सरसाइज करता है वो एबनॉर्मल मैं एबनॉर्मल हूँ या मैं पास साहब तला साहब मेडिकली उसका रीज़न क्या ऐसे मसल्स नहीं होते हम लोग एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं एक्स्ट्रा वर्कआउट्स करते हैं ताकि हम एक मन जहाँ दिख सकें अपने आप को एक नॉर्मल बंदे से थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकें इन टर्म्स ऑफ एवरी थिंग एंड्योरेंस और वगैरह वगैरह कोई सवाल प्रोटीन के वाले किसके वाले अच्छा नेचुरल ये बहुत बड़ी बहस है थोड़ा सा इसको भाई ने कहा प्रोटीन उनका मतलब वो प्रोटीन से नहीं था जो कि अंडे में होता है जो कि चिकन में होता है उनका मतलब तो सप्लीमेंट्स ठीक है अच्छा सप्लीमेंट से इशू ये है सर गुज़िश्ता 50 साल में हमारी गज़ा इतनी प्रोसेस्ड हुई है कि आने वाले वक्त में तो लेना ही पड़ेगा आपके आप लोगों के घर में कोई इंश्योरेंस लेता है सप्लीमेंट है यार दो दूध तो लेते हैं बच्चे सप्लीमेंट है और क्या तो सिंपल एज दैट ये है कि आपको जरूरियात पूरी करने के लिए लेना पड़ता है अलहमदिल्ला अल्लाह का लाख लाख शुक्र मेरा काम ही है तो मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं अपना प्रोटीन एडजस्ट कर लेता हूँ टिफिन लेके चलता हूँ बहुत चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ अच्छा तला साहब आपने अभी अपना टिफिन लेके आए मैंने आपकी डाइट प्लान में लिखा जी बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं कोई और सवाल अच्छा अगर प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है ठीक है आप अपने ट्रेनर के सुपरविजन में लें उससे रिकमेंड करवा लें अगर मुझसे जानना है नॉर्मली भी ले सकते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करता उनका दाढ़ी कम आना उनकी आवाज़ में कोई इश्यू आ जाना या उनमें फैट रेट ऐसा बढ़ जाना कि उनकी बॉडी का जो शेप है वो ऐसा लगे नॉट लाइक मैन फीमेल्स में जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है तो उनमें बाल की ज़्यादा ग्रोथ होना आवाज़ का चेंज होना और उनके जो फैट रेट्स हैं वो चेंज होना ये कॉमन हो जाता है मर्द के सबसे पहले फैट साइड और पेट में आता है सबसे आखिर में जाता है क्योंकि सबसे इरिटेटिंग प्रोसेस है औरत के सबसे पहले फैट थाइज और हिप्स में आता है और सबसे एंड में and which is also very irritating, okay? अच्छा, steroids ये करता है, ये कोई magic नहीं है, जो एक दिन में set हो गया, या एक रात में set हो गया। steroids बहुत मेहनत मांगता है, बहुत commitment मांगता है। उन लोगों की respect करो जो steroids भी देखते हैं। seriously कह रहा हूँ बिल्कुल। उन लोगों की respect करो। तो मेरे कोई senior athletes हैं, मुझे मैं इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं steroids cycle चलूँ। To be honest, तो इसके कुछ effects हैं। उसकी भी बात कर लेता हूँ। उसकी एक washout होता है।
एक साइकिल चलती है, एनाबॉलिक चलता है, डायनामिक वर्क चलता है, उसका एक वॉश आउट होता है। तो मैंने कम्पीट किया 2016 में मिस्टर क्लब जीता, 2016 में मिस्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का रनर अप, 2017 में मिस्टर कराची का रनर अप, लेकिन हमेशा सेकंड थर्ड रीजन के फर्स्ट सेकंड फील्डर वाला आता है, मैं फिर चला जाता है मेरा रूम। लेकिन एक चाइल्डिश कह लें या एक सोच कह लें कि यार नेचुरल पे कोई नहीं काट रहा ये अच्छा, बट एंड ऑफ द डे जीता तो वो, ठीक है एंड ऑफ द डे जीता तो वो। तो स्टेरॉइड आपके, अगर मैं सिंपल कर दूं, एक फैक्ट्री है जिसके प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2000, ठीक है आपका टेस्टोस्टेरोन 2000 बना रहा है, 5000 बना रहा है, लेकिन आपने स्टेरॉइड के जरिए आर्टिफिशियल हार्मोन डाले और वो बन गया 1,00,000, इतना बड़ा डिफरेंस है, उसको संभालने के लिए टाइम चाहिए। अच्छा अब तो इतने स्टेरॉइड एडवांस हो गए हैं कि अब HGH आ गया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को कौन कौन जानता है, सॉरी थोड़ी बॉडी बिल्डिंग की ज्यादा बात करूंगी, बॉडी बिल्डिंग कोच पहले हूँ, फिटनेस ट्रेनर बाद में, फेयर। तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर 1975 पर रिटायर हुए, ओके सिक्स टाइम मिस्टर ओलंपिया सब जानते हैं। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जब रिटायर हुआ तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड सबसे एडवांस स्टेरॉइड, अब लास्ट है बिग रैम, सही है, अब HGH आ गया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपके सिर्फ मसल नहीं, आपके हार्ट, लिवर, स्टमक, आते इनका साइज भी बढ़ा दे। तो इसके लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान में आपको अपनी फैमिली को कंसेंट लेना होगा, क्या आप अपनी फैमिली को कंसेंट मिले कि अगर कुछ हो गया तो वो हमें एक तरीके से केयर करेंगे या समथिंग इस बात। और एक और बड़ा मसला वो भी एड्रेस कर देता हूँ कि अगर किसी को कोई इंजरी आई, छोटा मोटा जो कि इंजरी की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, इंजरी आई घर गए अम्मी ने देखा या वाले साहब ने देखा भाई इंजरी आई भी है, तो आपके पूरा खानदान में कोई जिम्मी जाएगा और मिसाल के तौर पर आपको दिया जाएगा वो फलाना की बेटी है या बेटी है जो है जिम जाती थी उसको ये हो, चार दिन तक वो घर से जा नहीं पाए या हाथ नहीं चलाया जो भी हो, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। कोई सवाल इससे रिलेटेड, व्हाट इज स्ट्रेंथ, ये तो खैर हमारी बात होगी, व्हाट इज एंड्योरेंस ये भी बात हो गई, ऑक्सीजन कम चाहिए सेट करने के बाद रखा, सेट के तो 2 मिनट लगा लो, 4 मिनट 5 मिनट उसके बाद एंड। तो कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज वो तो मैंने नाम ले लिया, आगे चलते हैं एनएरोबिक एक्सरसाइज। एमएचआर क्या है, जिसमें स्टेप्स काउंट होते हैं, कैलोरी काउंट होता है, एमएचआर मींस मैक्सिमम हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट कितना मैक्सिमम जाता है उसका 80% पे आपको वर्कआउट करना चाहिए और जो वो एक्सेल कर गया वहां तक पहुंच गया इन सम मैनर, ठीक है ये हमेशा, ठीक है बात करी है लेकिन फिर भी क्या उससे तो पता चलता है एक वो क्या है वो भी बताऊंगा, BMR इसकी बात हाइट के साथ कितना मास होना चाहिए, वही बात जो भी हमने करी कि कितना चार वेट होते हैं, फैट रेट, मसल मास, फ्लूइड्स और आपका बोन्स, ठीक है तो ये आपका BMR, ठीक है BMR मेरे तो फुल नंबर, अरे अगर ट्राई कर दो बॉडी मसल रेशियो और अगर आप पूरे सो रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे तब भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए आपको जिंदा रखने के लिए, आपका दिल धड़कने के लिए, दिमाग को काम करने के लिए और भी बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म, सांस लेने के लिए। तो ये BMR वो होता है कि आपने कैलकुलेट के लिए भाई इतनी कैलोरीज चाहिए, अब आपकी एक्टिविटी पे बेस करके देखते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत है, फिर उसी पे आपका डेफिसिट और सरप्लस प्रोग्राम,
अच्छा ये एक्सप्लेन करूं डेफिसिट सरप्लस क्या होता है, इसमें आप लोगों को वेट गेन और लॉस का थोड़ा। अच्छा पहले तो बीएमआर बड़ा आराम से कैलकुलेट कीजिएगा, सोच के कैलकुलेट कीजिएगा, किसी को अगर अभी सीखना है तो बता दीजिएगा, मैं सिखा दूंगा। सेकंडली मान लीजिए आपका बीएमआर है 2000 कैलोरीज, मैंने आपका डाइट प्लान बनाया 1500 कैलोरीज, ठीक है, कितने का डेफिसिट आ गया 500 3700 कैलोरीज इज इक्वल टू 1 पाउंड 2.2 पाउंड is equal to 1 kg. दोबारा रिपीट करूं, सुना? दोबारा रिपीट करूं, सुना सबने? ओके। अब मान लें 500 कैलोरीज का डेली डेफिसिट डाइट से मिल रहा है, वर्कआउट करके 200 का और मिल जाएगा, 300 का मिल जाएगा, 800, 3700 को बर्न करने में कितना टाइम लगेगा? दिन का 700 का घाटा है, तो 3700 का घाटा होने में कितना टाइम लगेगा? मेरी शादी आ रही है, मेरा शूट है, मेरा आर्मी टेस्ट है, 10 किलो कम करना है, नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है, लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। अच्छा इसमें पहली ड्यूटी एज अ फिटनेस ट्रेनर मेरी बनती है कि मैं उस बंदे को रियलिटी चेक, उसको काउंसिल करूं कि भाई ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, और अगर है भी तो हेल्दी अप्रोच, एक महीने में 4 से 5 किलो तक एक नॉर्मल नूब आदमी के लिए लूज करना या गेन करना हेल्दी अप्रोच है, बस उससे ज्यादा हेल्दी अप्रोच नहीं। 5 kg से ऊपर, 5 kg से ऊपर गया तो हेल्दी अप्रोच नहीं, ठीक है। अच्छा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये आ सकता है कि वो जब दोबारा खाना शुरू करेगा ना बहुत जल्दी गेन, बहुत ज्यादा जल्दी, चलो लूज कर रहा है, उसके स्किन लटकना शुरू हो जाएगी, लूज स्किन, स्ट्रेच मार्क्स, और आईसाइट पे इशू पड़ेगा, उसके ब्रेन फंक्शनिंग पे इशू पड़ेगा। अच्छा वैसा नहीं कि पागल ही हो जाएगा, ब्रेन फंक्शनिंग मतलब बहुत ज्यादा डिजीनेस फील करते हुए ज्यादा फोकस नहीं कर पाएगा, और इश्यू आएगी, यस थक जाएगा, फटीक हो जाएगा। अच्छा फ्लेक्सिबल टेस्ट को हमने कर लिया, भाई तो बहुत फ्लेक्सिबल है, आपने मिस कर दिया गलत आप। अच्छा उसी पे कहने था मस्कुलर स्ट्रेंथ 1 rep मैक्सिमम, तो मैंने आप लोगों को बताया कितना बता दिया। अच्छा ये जरूरी नहीं आप लोग इसे पावर लिफ्टिंग में इंच क्लीन कर, एक नॉर्मली हो सकता है डेडलिफ्ट वाइज डंबल वाइज फार्मर वॉक की है, ये वेट ड्रॉप करने के लिए हम लोग लेकिन 50 है तो वो अगर जितना वेट गिरा है उससे कम वाले में उसकी फाइट होती है, 50 से 40 होने से पहले उसको इजीली फिर वो आउट कर सकता है, तो वेट गिराते रहे 10 किलो तकरीबन 2-3 महीनों में इस तरह वो रनिंग करते हैं, काफी तकरीबन 5-10 किलोमीटर रनिंग करते हैं, तो ये फायदेमंद रहती है कि नुकसान के लिए क्या है? यस स्पोर्ट बेस है, फायदेमंद है, आपका गोल है ना। सेकेंडली बॉडी बिल्डिंग में भी ऐसे ही होता है, बॉक्सिंग में भी ऐसे ही होता है, और एक और स्पोर्ट है जैसे कि और रेसलिंग में ऐसे ही होता है, जो मैट वाली रेसलिंग उसमें भी ऐसे ही होता है, मैंने तो बिग शो से तो जॉन सीना भी डरा। अच्छा तो होता ये है कि अगर एक 55 कैटेगरी क्लास है, जैसे मैं अपनी बता मैंने मिस्टर कराची लड़ा, मिस्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लड़ा, तो मेरा वेट था 89 kg, मुझे पता था मैं इस क्लास में मिस्टर कराची में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स, जो वो हैवी आएंगे बहुत एक्सट्रीम, तो मुझे कुछ भी करके 75 के नीचे आना, ओके 75 के नीचे आना था, वो एक मेरे टैक्टिक्स थी, उसका एक पीरियडाइजेशन और एक पूरा प्रोग्रामिंग होता है, वो बना उसके प्रॉपर तरीके से चला, 75 पे आ गया और मैंने वो एक्टिव वो लड़ा, और एंड ऑफ द डे जब क्लास में अंदर गया बैठने आता था तब फिर सुना डालो मेरा लुक। जो
वो माइनस पॉइंट तो एक वार्म अप की तरह ना जंप करते रहना और उससे स्टैप भी करना तो उसके लिए ना स्टैमिना बड़ा स्टैमिना नहीं जैसा आप कह रहे हैं हम लोग स्टैमिना कहते हैं बिल्कुल स्नैक बड़े हो ऐसे ही हां तो उसको ना हम लोग बड़ा बड़ा उसको ना बनाना पड़ता है तो जैसे कि हमने उधर खड़े रहे ये 5 मिनट तक वार्म अप जैसे अगर मैच चलना काम ना उसका कार्डियो उसका अलग होता है मैंने बताया छोटी डिटेलिंग है कार्डियो पल्मोनरी वास्कुलर एंड कार्डियो वास्कुलर एंड कार्डियो पल्मोनरी तो एक और होता है अभी मुझे याद नहीं आ रहा तो ये बहुत डिटेलिंग चीज होती है उनमें यही होता है स्टैटिक डायनेमिक छोटे अब आप जो बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा फुटबॉल पता है क्रिकेट के बाद कहां इस्तेमाल होता है फुटबॉल नहीं है ना रनिंग फुटबॉल मींस आप एक पोजीशन में कैसे मैं फुटबॉल लेते हैं बॉक्सिंग बेसबॉल होता है राइट आंसर बॉक्सिंग बॉक्सिंग में कभी किसी बॉक्सर को क्या खड़े नहीं देखे बहुत एजाइल होता है तो जो फुटवर्क होता है उसके लिए ये डायनेमिक ट्रेनिंग कराई जाती है तो ऐसे वो जाहिर है उछलते हुए जंप करते हुए या यो यो टेस्ट या टैप रनिंग ये करके बेटर होता है और इसमें रिएक्शन टाइमिंग भी जरूर रिएक्शन टाइम जरूर कराटे में हो मारेगा भाई तुम्हें रिएक्शन देना ब्रूस ली उसके बारे में एक बात कही जाती है कि कुर्सी से उठता था स्विच ऑन करता था वापस बैठता था तो लाइट आती स्पीड हाँ और ये उसकी वीडियो है यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा लेकिन वो रेयर है या रियल है या नहीं ये नहीं पता पंच वाले वो तो रियल वन इंच पंच वो तो रियल लेकिन वो दोनों जगह से टेनिस सिविल टेनिस है यहाँ से मारा वहाँ गया वहाँ से मारा पॉसिबल पांच लोग इसलिए कहते हैं 36 केज में मर गया पांच लोग कहते हैं एक्सीडेंट से मरा पांच लोग कहते हैं जहर से मरा है पोस्टमार्टम जहर बताता है वैसे एक्सीडेंट से मरा है और एक थ्योरी है जिस पे नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई थी कि उसे उसकी गवर्नमेंट ने मार दिया बिकॉज वो ह्यूमन वेपन बन चुका चलन टॉपिक से हट गए स्पीड बहुत जरूरी है वही बात कि आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन कितनी स्पीड में चेंज कर रहे कितनी जल्दी चेंज कर रहे एनी अदर क्वेश्चंस बीएमआर शायद आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है रेशियो भी सही है उन्होंने सही बताया आगे कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी का फोन है मोबाइल है इंटरनेट के साथ सब अपना अपना मोबाइल निकल चलो बता सब अपना अपना कैलकुलेशन हाँ हाँ सिंपल कैलकुलेशन सीख लो काम आएगा गूगल खोलें और लिखें पीएमआर कैलकुलेटर सब ठीक है आपके आ जाएगी कैलकुलेटर www.calculator.net फिटनेस एंड हेल्थ आ गया calculator.net फिटनेस एंड हेल्थ आ गया जी अब आप अपनी एज डालें अपना सेंटीमीटर में वेट हाइट डालें और अपना केजी में वेट डालें चलो एक अंदाजा लगा लो 5-10 चलो सब 5-10 लगा चलो और बोलो आगे सर ठीक है क्या क्या आ रहा है 1895 और किसी का 1575 ओके अच्छा भाई आगे जब इसके सॉरी 682 नाम इसके या तो हाइट या वेट या सेंटीमीटर में आपने हाइट बोला 5.9 हाइट है वेट 81 सेंटीमीटर बाबू है ना यार बाबू है ना छोटा बाबू जूनियर में इससे बड़ा है आपको 3.7
भाई का आया है 1760 अच्छा तो ये मियां हमारा ये इसको जिंदा रहने के लिए जरूरी अच्छा मैंने इससे इसलिए करा इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो इतना खतरनाक है कि मैं खुद उससे भागता हूँ मैं यूज करता हूँ ठीक है बहुत खतरनाक फॉर्मूला उसको लेके बैठेंगे तो कम से कम 40 मिनट का आगे नहीं पता सॉल्व करना ब्रैकेट खोलो ये करो रिग्रेशन करो ये करो बहुत हैवी तो एक पेज का फॉर्मूला है ठीक है तो एक्टिविटी लेवल पे सेडेटरी लाइफस्टाइल है लिटिल या नो एक्सरसाइज तो कितनी कैलोरीज आपकी होनी चाहिए बीएमआर में आप 1-3 दफा एक्सरसाइज करते हैं वीक में तो कितनी होनी चाहिए 4-5 दफा तो कितनी डेली एक्सरसाइज इंटेंस एक्सरसाइज अच्छा इंटेंस एक्सरसाइज का क्या मतलब है ये भी नीचे ठीक है तो आप इस पे जो आप जहाँ पे रिलाय करते हैं वो आप कैलोरी को अपना बीएमआर माने और उसी लाइफस्टाइल पे अपना डेफिसिट या सरप्लस करें अच्छा एक बड़ी मजेदार बात बोलूंगा कोई अग्री नहीं करेगा मुझसे सबसे आसान काम है वेट बढ़ाना और कम करना कोई अग्री नहीं करेगा मुझसे लेकिन सबसे आसान है सबसे आसान वेट नहीं बढ़ता तो आप सरप्लस पे आओ बढ़ जाएगा तो ये आपका कैलोरी इंटेक आ गया अच्छा सबसे आसान काम है वेट बढ़ाना और कम करना ऑन अ सीरियस कोई मुझसे एग्री नहीं करेगा लेकिन ये सच है अब बात आ जाती है कि आप क्या बढ़ा रहे हो वेट बढ़ा रहे हो मसल बढ़ा रहे हो कम क्या कर रहे हो वेट कम कर रहे हो मसल कम कर रहे हो जो मैंने बताया ना एक महीने में 10 किलो कम करना है वेट जा सकता है वो पॉसिबल नहीं है कि फैट चल अनलेस लाइपोसेक्शन ना करा ऑपरेशन में आया ठीक है उसमें भी लूज स्किन का इशू आ जाता है अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि आपको अपना सरप्लस और डेफिसिट कैसे बनाना है जो भी आप बनाओ मान लो आप 1500 कैलोरीज में बना रहे हो तो उसमें जो 60% कैलोरीज है वो आपकी प्रोटीन्स होनी चाहिए 30% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 10% फैट पोर्शन लेकिन वो काम आपका नहीं हमारे यहाँ ट्रेनर होता है वैसे न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए पर ट्रेनर को हमारे मैं सीरियस बोलूँ इंडिया पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे फिटनेस ट्रेनर के कोर्स डिग्री में न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है इसलिए हमारी डिग्री एक साथ ज़्यादा होती है न्यूट्रिशन इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है और ऐसे ऐसे टेढ़े तरीके से जैसे एक बड़ी मजेदार स्टोरी शेयर करूँ जल्दी तो नहीं किसी को एक हमारे सर आए न्यूट्रिशन के सर थे उदयपर राजा वो एक वाहिद आदमी है पाकिस्तान के आज तक की हिस्ट्री के जिन्हें कोलंबो यूनिवर्सिटी ने बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट एंड एक अवार्ड है मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ वो अवार्ड मिला और उनके थीसिस पीएचडी के उधर जमा हुए हैं मेटाबॉलिक रेट चेंज के कोई होता है ना जैसे खाना बोलते हैं नहीं लगता एक्टोमॉर्फ एंडोमॉर्फ बोलते हैं जैसे पानी में लगता है ये बॉडी टाइप होती है इसमें भी सरप्लस और ये चलता है लेकिन प्रॉब्लम ये कब तक उसको मेंटेन करेगा उस टाइप को अच्छा खैर तो उन्होंने मेटाबॉलिक रेट चेंज पे कि एक्टोमॉर्फ जब चाहे एंडोमॉर्फ बन जाए एंडोमॉर्फ जब चाहे एक्टोमॉर्फ बन जाए इसकी थीसिस लिखी अगर वो कामयाब हो गया तो वर्ल्ड में रेवोल्यूशन बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में को वैल्यू नहीं लेकिन दुनिया में रिकॉग्नाइज इवन अमेरिका में भी उनको वो दिया गया एक अवार्ड दिया गया वो भी नाम लिया खैर तो वो मेरे पास एक दिन डाइट प्लान बनवा रहे थे बनवा गया रहे थे उन्होंने हमने हमें ऊपर दिया था तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एमिगोस की तरह उम्र नहीं जैसे मैं चाहता ठीक है तो वही है कि होमवर्क नहीं किया तो उन्होंने बोला आज डाइट प्लान आप सामने रखो और हाई प्रोटीन डाइट बनानी थी बंदा था 50 साल का और प्री डायबिटिक था जिसे डायबिटीज होने वाला है बनी बात है लेकिन हाँ ऐसा होता है आप रूटीन चेकअप्स कराएं तो आपको पता चलेगा और उनके आप पहले से केयर करें तो उनकी काफ़ी सेटल लाइफ गुजरती है और कंट्रोल के साथ चलती है तो हुआ ये कि मैंने उसे बोला ठीक है सर बनाते हैं आप तारीफ नहीं कर रहा अपनी थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट था तो सब मेरी तरफ देख रहे तो बनाओ तो बनाने बैठे तो
एग्स डाले, एक अंडे की सफेदी में, एग व्हाइट में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, पूरे अंडे में 6, तो मान लो जो आपका बॉडी वेट है हर पाउंड पे 1 ग्राम प्रोटीन मिनिमम चाहिए, ठीक है, और 12 अंडे ले रहे हो तो 48 ग्राम प्रोटीन से मिल जाता, बाकी चिकन और बाकी नेटलेस वगैरह से लेना होगा। सर बात ये थी, मैंने एग डाला, उन्होंने बोला वो एग खाते हैं, चिकन डाला उन्हें चिकन उसे पसंद नहीं, मैंने फिश डाला उन्हें फिश से एलर्जी, मैंने रेड मीट डाला दो मील। अच्छा एक और इशू, उसको डाइट प्लान ही बनाना था, सप्लीमेंट दे नहीं सकते थे क्योंकि उनके साथ और भी इश्यूज थे, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हुआ, बहुत डिटेल में काम होता है हमारे, और उनको नी इशू था तो उन्हें वर्कआउट भी प्लान उनका बना। सर तो हमने रेड मीट डाल दिया, एक व्हाइट मीट होता है एक रेड मीट होता है, ठीक है, रेड मीट ज़्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि बहुत फैटी होती है, हमारे 3 महीने का आ गया उसका तस्वीर ज़्यादा ना, ठीक है, उसे रेगुलर ना। खैर तो वो ये कि रेड मीट डाल दिया बकरे का गोश्त, वो बोला बकरे का गोश्त की फैमिली में पसंद है, फिर लेंटिल्स डाल दिया, दालें डाल दी, दालें भाई को ज़्यादा खाता नहीं, टाटा बाय बाय कर देते हैं, क्लाइंट है ना, आपको पे कर रहा, आप लोगों के पास भी क्लाइंट आया, बोले भाई ये बना दे तो देना तो पड़ेगा, वो पे कर रहा है आपको, तो वो ये कि ये एक और चीज़ डाल दी नहीं, और फिर जाहिर है सबर टूटा है, आपको कुछ ना कुछ तो उसको ऐड करना है, किसी को क्या लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, से याद है जो जो जिम करता पहले से ट्रीट किया है। सेकेंडली आ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपका माइंडसेट सही नहीं, वो ये आप उससे स्केप होना चाहते हो, आप म्यूजिक सुनते हो आप स्केप होना चाहते हो, रियल बता रहा हूँ, मैं जब कम्पीट नहीं करता था मैं बहुत म्यूजिक सुन के वर्कआउट करता था, मैंने कम्पीट करना शुरू किया, ऐसा नहीं है बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो म्यूजिक सुन के करते हैं जिससे उन्हें कनेक्शन फील हो, किक मिले बेसिकली, लेकिन आप उसे स्केप क्यों होना चाहते हो, आप उसे फील करो, एंजॉय द प्रोसेस, आप अगर अपनी ट्रेनिंग जैसे कहते हैं ना कि चोरी करना वाला है सारे, लेकिन आपने देखा होगा एक्सरसाइज में इतने बोरिंग माइंड हो जाते हैं, एक डंबल भी उठाने का जिसका प्रॉपर वे ये स्ट्रेट हो के हाथ प्रॉपर जाना, उसमें भी बस किसी तरह ऊपर लगे ना मजबूरी पूरी कर लिए, छू लिया बस, ओके, ये डिसाइड कौन करेगा प्रॉपर है, ये वही मैं कह रहा हूँ कि इंसान अपने जो नॉर्मली सबके साथ जो ये चीज़ होती है और हो रही होगी जो जिम जा रहा है वो डेली बेसिस में कभी कभी गैप देता भी होगा, तो इसको फोकस माइंड में लाने के लिए उसको मतलब कहाँ मिस्टेक करे, क्या वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है कि मैं बॉडी बनाना चाह भी रहा हूँ नहीं, या मुझे इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा, या वो किसी चीज़ का अटेंशन सीखा मैंने मेरी बॉडी में मतलब देखा नहीं जा रहा, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, या फिर ये कि इंसान को कोई ये चीज होनी चाहिए कि मेरे लॉन्ग लाइफ कहते हैं ना कि जीना इतना क्रॉस कर लूँ एक लाइफ जो एक वो भी होता है कि मैं एज अ बुढ़ापे में एकदम जंगे जवान एकदम तंदुरुस्त नजर, ऐसा होता है जिनमें मेरे फ्रेंड्स मेरे हैं कि जो थे वो 70 है लेकिन ऐसा होता है बिल्कुल यंग है एकदम चलने में जैसे। अब इसका जवाब बड़े तामुल से सुनिए, तो इसका जवाब थोड़ा डिटेलिंग, आप लोग जाने डिटेलिंग में जवाब दूँ नॉर्मल जवाब डिटेलिंग सिंपली ऐसा है, हर आदमी जाता है लंबे वक्त तक हैंडसम दिखे, हर औरत जाती है लंबे वक्त तक अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखे, सिंपल एज दैट, प्रॉब्लम आ जाता है फिजिकल अपीयरेंस। अभी मैं वो डिप्लोमेटिक बात नहीं करूँगा कि जैसे वर्ल्ड ने अच्छा ही बनाया है अपने आप को एक्सेप्ट करूँ, बिल्कुल करना चाहिए वो एक फैक्टर है, लेकिन अभी बात आ जाती है मन चाह, तो अगर मन चाह दिखना चाहते हो तो मन चाह खा नहीं पाओ, और मन चाह खाना चाहते हो तो मन चाह दिख नहीं पाओ, ये बात हो गई डाइट की। अभी बात अभी अभी आप थोड़ी देर दोनों हाथों से अभी बात आ जाती है वर्कआउट स्केप होना चाह रहे, अच्छा तो जरूरी नहीं है जिमिंग आपके लिए हो, क्या पता आप स्विमिंग ज्यादा बेटर करते हो, बैडमिंटन करते हो, मैं कोई जिम प्रमोट करने नहीं आया, मैं हेल्थ अवेयरनेस पे आया हूँ, और मुझे यहाँ पे एंटर होते पहले शक्लों में दिख गया था यार क्या सुनेंगे हम तो जानते नहीं ट्रेनिंग को, जैसा हमारे भाई भी मुझे अभी हम बैठे थे बता रहे कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि हम तो ट्रेनिंग करते नहीं है तो हम क्या जाने, तो ये प्रॉपर हेल्थ और फिजिकल फिटनेस के बारे में, यहाँ पे मैं कोई ट्रेनिंग की गाइडेंस नहीं दे रहा, आप बात आ जाते हैं आप उससे स्केप क्यों करना चाह रहे हो, स्केप इसलिए करना चाह रहे हो आपने वो फैसला ले लिया लेकिन आप पूरी तरीके से उसमें, अगर मान ली कल साहब अनाउंस कर
जो भी फैटी आदमी 10 किलो कम करेगा उसका सैलरी पैकेज ट्रिपल कर मिसाल ये थी, ये एकदम सच्चा वाकया है। मैं काफी थीसिस पढ़ता हूं, तो एक इंडिया में एक मुकाबला हुआ, मुकाबला क्या, एक एक्सपेरिमेंट था कि एक शख्स को वहां पे हर जगह घर में गैस नहीं आता, तो वहां पे सिलेंडर्स दिए जाते, तो एक बंदे को सिलेंडर दिया 40 किलो का, उसको बोला चौथे माले तक जाना है, वो चौथे माले तक गया, तीसरे में थोड़ा रुका भी, पहला चक्कर था, ये भी बता, पहला चक्कर था, चौथे माले तक गया, थोड़ा रुका भी, लिया रखा, थोड़ा हाँपा, बोला भाई पहले पानी पिला फिर बात, ठीक है। फिर सेकंड राउंड उसको जो रेस्ट पीरियड दे दिया, उसका हार्ट बीट वापस आ गया, रेस्टिंग हार्ट रेट रिजर्व हो सकता है अभी बात करें, तो उसके बाद ऑन अ सीरियस नोट बता रहा हूँ, सच्ची हुआ है, उसको 60 केजी की लड़की दी सीरियस उठा ले गई और अट्रैक्टिव लड़की थी, उससे उसके पहले इंटरेस्ट मालूम किए गए थे, उस हिसाब से उसको 60 किलो की लड़की दी गई। और सीरियस बोल रहा हूँ, बात आप पढ़िएगा, मैं आप लोग स्क्रीन शॉट डाल रहा हूँ, वो पांचवे फ्लोर पे रुका, उसे पता नहीं चला फ्लोर बातों पे चलेगा ऊपर। माइंड आपकी प्रायोरिटी, कोई भी इतना बिजी नहीं होता किसी से नाम पे, सिर्फ प्रायोरिटी सही है, अभी ऑफिस को प्रायोरिटी दी हुई तो आए ना, रात रात पर क्यों काम कर, प्रायोरिटी है पैसा, ऐसा है। कोई और सवाल, बात पूछ लो भाई, कोई सवाल, कोई बात, कोई परेशानी। गेट के हवाले से जैसे कहा था कि आपके साथ आ रहे थे, तो गेट जो है वो सेम थी, नॉर्मल करीब करीब थी, तो इसके हवाले से जैसे वेट करके जैसे हम लोग चलते हैं, वॉक करते हैं, तो उसके अंदर जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हमारे जो बंदे होते हैं ना वो बैठ जाते हैं, जैसे हम लोग ज्यादा वेट उठा लिए तो मतलब कद छोटा हो गया, इसलिए बात करते हैं जैसे नॉर्मल। लोग जिमिंग की तरफ भी नहीं जाते, ज्यादा लोग वेट भी नहीं उठाते, मतलब ये क्यों है ऐसी चीज, और फिर वेट उठाने से हम लोग चलते हैं, फिर उससे हमारी जो कद छोटा हो जाता है वो क्या उसका वो है, और गेट हमारी कैसे सही है। नाप उतर जाना इज अनदर थिंग, ठीक है, और हाइट छोटा रह जाना इट्स अनदर थिंग, हाइट छोटी रह नहीं सकती, उसका वेट ट्रेनिंग से कोई ताल्लुक नहीं। मान मैं कई लोगों से सुनता हूँ कि ट्रेनिंग किया करें, लटका करें, कद लंबा हो जाए, सुना होगा सब, अगर ऐसा होता तो हाथ लंबे होंगे, बंदा कैसे लंबा होगा, चलो ग्रेविटी फोर्स उसकी कमर बढ़ गई, कमर बढ़ गई कैसा, एक बंदा सोचो जिसकी कमर बढ़ गई, ये पैर उतने ही है, हाथ लंबे हैं, कैसा लगेगा, ज़ॉम्बी। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वर्कआउट सिर्फ हाइट में तब एक तरीके से हेल्प कर सकता है, वो ये कि हाइट दो वजह से रुकती है, या रुकती है या बोलने उतनी रह जाती है, उसका रीजन कि एक आपके जेनेटिक्स, क्योंकि दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, और ये मेरा अल्लाह का कमाल है कि हर बंदे के जेनेटिक्स अलग, उससे रिश्तेदार भी जान सकते हैं, लेकिन एकदम अलग हो, इवन जो भाई जुड़वा पैदा होता है ना, भाई बहन जो एकदम जुड़े हैं, उनके भी फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स से नहीं लड़ा जा सकता, अच्छा जेनेटिक्स मतलब ये नहीं कि लंबे माँ बाप तो छोटे बच्चा हो, उनका बच्चा लंबा भी हो सकता है, और लंबे माँ बाप तो उनका बच्चा होना भी हो सकता है, ये वेरी करता है। सेकेंड चीज, फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी जिमिंग तब हेल्प कर जाती है, क्योंकि जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जाहिर है फटीग होता है, थकते हैं, भूख लगती है, नशेनुमा की कमी एक तरीके से आपका एपेटाइट भुलाती है, तो आप जब अपना एपेटाइट पूरा करते हैं और ज़्यादा खाते हैं तो नशेनुमा की कमी पूरी हो गई, उससे आपका कद नहीं रुक सकता, ये एक फैक्टर जा सकता, लेकिन जेनेटिक्स से नहीं लड़ सकता, कुछ भी कर। और कोई सवाल, गेट कैसे सही होगी,
गेट कैसे सही हो गया? एंकल रिस्ट्रिक्शन था, एंकल मोबिलिटी, और यहाँ पे मेरे चार क्लाइंट्स पांचवी ये पहले करते थे मेरे, तो ये मेरे चार क्लाइंट्स हैं उनके, ये जो हसाम साहब बैठे हैं ये पहले स्पॉट करते थे ना मेरे पास जब मैंने आया था, तो ये वही वाला प्रॉब्लम स्पॉट करते गिर जाते बाबू भाई वाला मसला। तो होता ये था कि एंकल रिस्ट्रिक्ट, इनका एंकल स्ट्रेच करा है फिर अलहमदुल्ला टीम स्पॉट कर। और कुछ आप कुछ पूछ रहे थे? हाइट तो पूछ रहा था, जैसे हाइट का हमने पिछले भी सुना है कि 18 साल तक हाइट बढ़ी है, उसके बाद जरूरी है कि नॉर्मल ग्रोथ होगी या जो स्ट्रेचिंग करना उसमें जरूरी है, अगर आपको हाइट इंक्रीज करनी है उसके हिसाब से मान लो स्ट्रेच कर लो, लेग स्ट्रेच कर लो, पैर लंबा होना चाहिए, एक ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेचिंग करें, ओवरऑल कर लो, तो ऐसा तुम ये कह लो कि तुम इतना बैलेंस इफेक्ट पड़ेगी हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा, अरे तो हम लोग तो ये कह लो कि तुम इतने बैलेंस हो गए कि 30 सेकंड सेम इंटेंसिटी राइट लेग स्ट्रेच की, 30 सेकंड सेम इंटेंसिटी लेफ्ट लेग, एक पैर ऐसा हो जाएगा। सिंपल जवाब ये है कि स्ट्रेचिंग से हाइट का कोई ताल्लुक नहीं, मसल फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलाइजेशन सेट हो जाती है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी में क्या फर्क है? कई मार दो यार, क्या कौन सा फ्लेक्सिबल बनता है, जैसे अभी फ्लेक्सिबल है हर लिहाज से, देखा फ्लेक्सिबिलिटी तो माइंड से कनेक्टिविटी हो गई। तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं बहुत माइंड से सोचूं मेरा मसल बहुत टाइट है, हैमस्ट्रिंग है, चलो शोल्डर का, इससे ज्यादा स्कैपुला में रिस्ट्रिक्शन है, इससे ज्यादा नहीं ले जाता, मैं बहुत ज्यादा माइंड से सोचूं तो मिलेगा पता है फ्लेक्सिबल बंदा किसी भी पोजीशन में बंदा सकता है। एथलेटिक तरफ जा रहे हो लेकिन ऐसा नहीं, फ्लेक्सिबल आदमी है हुआ कैसे फ्लेक्सिबल, और सवाल तो ये था फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी में फर्क क्या है, डिफरेंशिएट कितनी इजाजत देता है कि आप मसल को याद करें, हड्डी तो हर चीज में डायरेक्ट लोग कर देते हैं मसल जिससे ज्यादा आप मुझे याद, हड्डी और हड्डी के जो जोड़ होते हैं वो उसको फ्लेक्सिबल होने में हानि करता है। सर आप कुछ कहते हैं? मोबिलिटी है एबिलिटी टू मूव फ्रीली, जैसे अपने जॉइंट्स को मूव करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी इज टू स्ट्रेच। गुड। अच्छा आप थोड़ा उल्टा लिखो, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रेंज ऑफ मोशन, ये मेरी रेंज ऑफ मोशन, मैं हाइपर फ्लेक्सिबल हूँ, कुछ लोग होते हैं जिनके मतलब अगर हाथ भी जा रहा है तो ये रेंज ऑफ मोशन है, ये थोड़ा और गया ये हाइपर फ्लेक्सिबल, ऐसे लोगों को इंजरी बहुत दिखती है, ठीक है ये मेरा रेंज ऑफ मोशन है कम्प्लीट, ये जा रहा हूँ ये हाइपर फ्लेक्सिबल, ठीक है ये होना कोई गलत बात नहीं है, नॉर्मल बात है। अब आ जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी में डिफरेंशिएट, बात बिल्कुल सही है, हड्डी है हड्डी का जो जॉइंट जहाँ तक मूव हो रहा है अपनी रेंज ऑफ मोशन तक है उससे ज्यादा वो मोबिलिटी है, और मसल तक जा रहा है या मसल मूव हो रहा है दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। और इसकी सिंपल मिसाल तो ये मेरा अंगूठा यहाँ तक जा रहा है, अपना अपना अंगूठा कोशिश करना तेरी के कहाँ तक जा सब, तो ये आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी। अब अंगूठे को एक हाथ से पकड़ो और 2-3 इंच आगे ला के अपने दूसरे हाथ से पकड़ा, कोई सवाल कोई बात, अब लग रहा है हमें गुस्से चला गया ये भी एक दिन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी ना ना ये किसी से भी होगा, अरे फ्रेम तो नहीं हो ये लगा देना, ये लगा देना हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी। इसके दो रीजन है, पहला कि आप हाइपर फ्लेक्सिबल हैं तो अंगूठा पीछे लगा देना उंगली पीछे लगा देना, ये सेकंडली आप बाबू भाई तो वहाँ पे एक बंदा अच्छी खासी उसकी बॉडी थी, तो वो एक डब्बे में पहले एक्सरसाइज करता था, एक डब्बे में आलू लेके आता हूँ खा ले उनको बेटे चम्मच से खाता है, तो वो सजेस्ट भी कर रहा था वो किस लेवल के बंदे को सजेस्ट करना चाहिए कि वो खाए या फिर इस तरह की चीजें, आयरन्स के था वो कहता है ये जरूरी होती है बॉडी मसल्स के लिए। क्या वो ट्रेनर है? क्या वो ट्रेनर? अच्छा हमारी प्रॉब्लम ये है कि शायद सब रिलेट करेंगे, जो फैट लॉस कर ले या वेट लॉस कर ले वो डाइट बताना शुरू कर देता है,
और जो थोड़ा भी मस्कुलर हो जाए या थोड़ा बॉडी बना ले वो वर्कआउट कराना वो ट्रेनर होगा। ठीक है, और हम सब लड़कों में एक बात कॉमन होगी, वो कोई एक दोस्त पकड़ते हैं जिसकी बॉडी अच्छी है, हम देखते हैं हमें ऐसा बनना है, चल यार तू बता तू एक्सरसाइज करो। अब लड़कियों का नहीं पता ऐसा होता है, नहीं लड़कों में तो लाजमी होता है, और मुझे बहुत एक्टेड करते हैं, ऐसा भी होता था वो जो नए नए जिम होते हैं एक हफ्ता होता है एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं होता है सर ये हफ्ते नहीं है 10 साल ही हो जाए ना जिम में, अच्छा ये भी एक बहुत फैक्टर है कि अब जो जिम्स खुलते हैं ना सबसे पहली जो नेसेसरी वो आईने है। रीजन क्या, सेल्फी जिम हो I'm working out today. Transformation starts. Seriously, मैं बड़ा वो हो जाता हूँ कि यार बंदा आया वो चले आज सेल्फी वर्कआउट हो गया सेल्फी ले वो भाई अभी वर्कआउट हुआ है घर जा डाइट लिया क्या हो गया पानी पी थोड़ा बैठ दो मिनट पसीना अच्छा वो सेल्फी में पसीना आना चाहिए अबे भाई क्या हो गया तो ये बड़ा इशू है और विटामिन आते हैं और माइक्रो में आपके पानी आता है फ्रूट्स आते हैं वगैरह। तो होता यह है जो आपका आयरन है वो आपको बाकी खानों से मिल जाता है। जो आलू है मैंने अभी बताया कि कोई चीज किस पर डोमिनेट करती है, जैसे कोई एक बंदा कौन सच्चा है तो उसमें सच हर बंदा सच बोलता होगा, कोई अपनी वालदा से बोलता होगा, कोई सबसे बोलता होगा, कोई पागलपन की हद तक बोलता होगा, सही है ना, या कोई झूठा होगा, या मैं एक गलत वर्ड है लेकिन टोपीवाद होगा, कोई एक बंदे को बोलता होगा, कोई बोलता होगा मैं नहीं आ रहा आज कितना है जहाँ पे हमारे डिग्री के कोर्स में न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है और डिटेल में पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि हमारे सर आए उन्होंने हमें क्लाइंट की डाइट बताई, तो इतनी डिटेलिंग, ऐसे एक बात शेयर करता हूँ, मुझे थेरेपीज का बहुत शौक है, ये शायद तला साहब जानते होंगे, लोग जानते होंगे, और मैं बड़ा कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई बंदा ये किसी का दर्द मेरे हाथ से निकल, तो वो हड्डी का हो कुछ हो, मैं डीपीटी पढ़ने का बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ लेकिन अब किसी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से नहीं पढ़ता और अभी भी सोचा है पढ़ो। तो हमारे एक सर थे वो गायनोसोलॉजिस्ट थे, तो उन्हें पता था कि डीपीटी की थी, तो उन्होंने मुझे एक बार एओ क्लिनिक बुलाया, वहाँ बैठते थे, उन्होंने बोला किसी वजह से बोला कि तुम्हें आज मैं किसी पेशेंट का रेफरेंस, तो मुझे और एक और लड़के को बुलाया, उन्होंने ऊपर बोला कि आप जाओ ऊपर, उन्होंने बेल बजे एक हफ्ता आया आप ऊपर जाए ये ओपीडी में पेशेंट्स को ये दिखते। अच्छा मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, लाइसेंस नहीं है, अगर पकड़ा जाता या कोई कंप्लेन कर देता उनका लाइसेंस जाता, मुझे जुर्माना लगता, उन्हें जेल, ठीक है, तो मैं चला गया, मैं बंदे थे पूछ रहा हूँ कि उसका लोअर बैक पेन था, एक और सीरियस बात होता है डॉक्टर को लिखता है ना उसे उसको दो लाइन लिखनी होती है, उसे ड्रामा कर रहा होता है समझदार दिखते हैं, ऐसे दो लाइन लिखनी है पेशेंट का नाम असेसमेंट बस, बाकी जब आप जवाब दोगे तो लिखेगा सीरियस। तो मैंने पूछा भाई क्या बैक में पीठ में मसल, अच्छा ये भी हमें ही देखना होता है वरना बाद जो लोग एजुकेटेड होते हैं बताते हैं सर्वाइकल थोरैसिक लंबर कहाँ पे पीठ टेंथ की हड्डी होती रीढ़ की हड्डी, थोड़ा डिटेल जा रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहा पक्का, ओके टेंथ की हड्डियाँ होती हैं उसमें थोरैसिक क्या लंबर की वो हमें खुद पता लगाना है, यहाँ दर्द है, तो मैंने बोला कैसा दर्द फील हो रहा है, लाइन सा हो रहा है, पॉइंट सा हो रहा है क्या, उसका जवाब था डॉक्टर साहब दर्द कहीं फंसा हुआ है, मैंने उसको बोला कि मोशन हो रहे थे तो मैंने उससे बात बोली, मैंने उससे बात बोला है निकाल दिया, मैंने उससे बात बोली कहां फंसा हुआ है, तो ये ऐसे एक पेशेंट आया हमारे एक दोस्त हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट, एक पेशेंट आया वो बोले क्या बोलोगे सर स्टमक पेन हो रहा है मोशन आ रहा है चलो या कोई इशू हो गया या डाइजेशन हो रहा है या कब्ज हो गया कॉन्स्टिपेशन हो गया क्या बोलोगे सर,
बोल रहे डॉक्टर साहब पेट में कुड़कुड़ हो रहा है क्या जवाब दो सही है ऐसी चीजों को भी टैकल करना पड़ता है ये चीजें भी टैकल करनी पड़ती है चले बात कहीं और चली गई बात हो रही थी आयरन पे और आलू पे आलू कार्ब होता है ठीक है वो उसके लिए काम कर गया होगा उसके मसल गेन पे यूज कर गया होगा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन एक और बात बताओ बूट कैंप बहुत देखे होंगे आप लोग ये वो फलाना इशू ये है कि वहां पे जो सारे बंदे खड़े हैं इट्स अ स्कैम पहले तो बता बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ इट्स अ स्कैम मेरे खुद दोस्त यार चलाते हैं बड़े पैमाने पे चलाते हैं मतलब अगर वो सुन लेंगे तो उसे नाराज हो जाएंगे वो सिर्फ पैसा कमाने का स्कैम है रीजन कि एक 18 साल की लड़की भी खड़ी है एक 80 साल की आंटी भी खड़ी है एक 40 साल की मिडिल एज खातून भी खड़ी है तीनों को बर्थडेस कराया जा रहा है तीनों की नीड्स के लिए परफेक्ट है नो तीनों का मेडिकल हेल्थ क्या है तीनों का मॉलिक्यूल क्या है तीनों की मेडिकल हिस्ट्री क्या है बोन का क्या इशू है मैंने अभी बताया ना कि कैल्शियम का इतना इशू आ रहा है खवातीन में कि दूध पीना मैंडेटरी कर दें घर में बहन है मम्मी है कोई भी है वाइफ है दूध पीना मैंडेटरी कर दें 10 साल क्रॉस हो गए बच्चे के पहले भी अगर हो तो कोई बुरी बात नहीं उसे दूध जरूर पीना है सेकेंडली दूध भारी गजा है रात को पी के वो सोने वाला फिल्मों में आता है बच्चा पढ़ाई कर रहा है रात को आगे दूध दे दिया वो फिर नींद नहीं आती भारी हो जाए डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ठीक है और एक तो ये बात हो गई वो उसके लिए काम कर गया होगा सबके लिए नहीं करेगा सेकेंडली एक टॉपिक है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था पर उससे पहले आप लोग बताएं कोई सवाल है कोई सवाल है छोटा हो मैं कौन सा नंबर दे रहा हूँ बाबू भाई सॉरी कोई मोटा बंदा जब वेट लूज करता है तो ज्यादातर होता है कि उसकी मुश्किल लगती है अवॉइड करने के लिए कोई तरीका मैंने अभी बताया कि हेल्दी अप्रोच होता है हेल्दी अप्रोच ये है कि मैंने आपको एक कैलकुलेशन बता दी 3700 कैलोरी ये बहुत डिटेलिंग में बता रहा हूँ शायद ना समझ आए कि आपके ट्रेनर का काम है वो आपको ऐसा डेफिसिट दे कि आपको डिजीनेस और अनइजी भी फील है आपका एक गोल पर है और आप जैसे लूज कर रहे हो सवाल ही पैदा नहीं होता कि लूज स्किन सवाल ही पैदा नहीं कितना आपकी मोटा इवन ओबीस थ्री भी ठीक है ओबीस थ्री मतलब वो आता है जो हम मजाक में ही नहीं कहते भाई कि गिर मत जाइए भाई तो उसको ओबीस थ्री है ठीक है